बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों होता है? बिल्ली अगर रास्ते से गुजर जाए तो लोग वहीं रुक जाते हैं। आप जानना चाहते हैं इसके पीछे का राज क्या है? दरअसल पहले के समय में जब किसी भी गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम सबको पता है कि सब लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। और जब लोग रात में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते थे तो घोड़ा या बैल डर जाता था और वहीं रुक जाता था, क्योंकि हम सबको पता है कि बिल्ली की आंखें रात को कितनी चमकती है। उसे देखकर बैल या घोड़ा रुक जाता था और फिर घोड़ा या बैल काफ़ी देर तक वहां से आगे नहीं बढ़ता था और फिर लोगों को बहुत देर होने लगती थी और तभी से धीरे धीरे यह एक अंधविश्वास बन गया कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। क्या आप जानते हैं गुजरात का डुमस बीच अपने काली रेत और भूतिया कहानियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बीच से बहुत से टूरिस्ट और स्थानीय लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और उनका आज तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए रात को यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ लाशों को जलाया जाता था और आज भी यहाँ रात को लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या आप जानते हैं राजस्थान के पुष्कर जिले में ऊंची पहाड़ी पर देवी सावित्री का मंदिर है? इन्हें माँ सरस्वती का ही रूप माना गया है। इस मंदिर में पुरुष बाहर से ही देवी के दर्शन कर सकते हैं, पुरुषों का मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी को पुष्कर में श्राप देने के बाद देवी सावित्री इस पर्वत पर जाकर बस गई थी। इन्होंने भगवान विष्णु को भी ब्रह्मा जी की गायत्री से विवाह का साक्षी होने के कारण पत्नी से वियोग का श्राप दिया था।